Oh,
जो मौला हुसैन पर वे लाए होने की कोशिश करे अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे, और जो अहले बैत की फजीलत में एक शेर लिखे अल्लाह उसको जन्नत में एक मकान अता करे। इमाम हसन ने इशारा फरमाया जो एक शेर लिखे, यहां पर जो हरवान कादरी साहब हर अल्लाह खान इतने नौहे लिखे है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैंने पिछले साल मजलिस में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने अपनी हयात ही में अभी इंतखाब से 10 साल पहले ही 786 नौए मुकम्मल किए, अलग अलग अंजुमनों को, अलग अलग लोगों को, कई मुकाम पर उनके नौए पढ़े गए, और आज और अलग अलग तरह की खिदमत थी उनकी। आज देखिए व्हाट्सएप का दौर है, आसानी से रुखा नौजवान बोलकर प्रिंट हो जाता है, तैयार हो जाता है, दौर में ये फैसिलिटी नहीं थी। कई रुखे लोग उनके पास आकर उनके हाथ से लिखा थे, वैसे ही वो प्रिंट हो गया कलम में, वो असर था, ऐसा दिखता था कि जैसे वो लफ्ज आपस में नहीं मिला रहे बल्कि पोतियों को आपस में मिला, ऐसे उनके कलम का असर था लोगों को रुखे लिखकर। कई मुकामात पर ऐसे भी लोग थे, अब देखिए देख कर बाज लफ्जों को पढ़ना, इंग्लिश मीडियम का दौर, बच्चे ऑल साइंस में पढ़े हुए तो उनको प्रोनाउंसिएशन भी बतलाया, तो ऐसे नौहे लिखे हैं, ऐसे ऐसे नौहे और एहसास वाले नौ, दर्द वाले नौ। एक अंजुमन का तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने काफी वक्त उनके साथ गुजारा, कि वो नई अंजुमन खुली थी, मैंने ही उन लोगों को उनके पास रिकमेंड किया था, तो उन्होंने पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबी अव्वल तक हर मौके पर जो नौहा पढ़ा जाता है वो नौहा लिखा है, पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबी अव्वल तक जितने नौहे पढ़े जाते हैं, जितने नौहे, यानी मदीने से काफिला चला तो वो नौहे, उसके बाद नौहे आगे करबला पहुंचे, सो नौहे नौहा, एक एक नौहा कर से कर, और शहजादे ओन मोहम्मद के, शहजादे अली अकबर के, शहजादे कासिम के, मौला हुसैन के, फिर उसके बाद शहजादी सकीना के, दरबार के नौहे, दरबार में दाखिला नौहे लिखे, शहजादी ज़ैनब के, चौथे इमाम के, आठवें इमाम के, फिर बाबैला के नौहे, अंदाजा कीजिएगा, यानी एक अंजुमन को मुकम्मल साल भर के नौहे लिखकर दे दिए। ऐसे खिदमत की है उन्होंने। इमाम हसन कह रहे हैं कोई एक शेर लिखे अहले बैत की शान में, अल्लाह जन्नत में एक मकान अता करता है, कोई इतने नौहे लिख दे जिसकी कोई गिनती मुश्किल है। यानी 10 साल पहले उनके इंतकाल से 10 साल पहले तक मुझे मालूम था कि 786 अखबार में आए थे तो मुकम्मल हुए, उसके बाद उन्होंने कितने लिखे वही जानते।
कई मुकामात पर उनके नौहे पड़े गए और उनका यही था बस आजादारी नौहे। और तकरीबन अंजुमन मासूमीन में रबत एक महीने पहले से वो वक्त पर एक महीना डेढ़ महीना पहले से वो रबत शुरू हो गया। तो एक नोहा बहुत कदीम था, 80s या 92 तक वो नोहा पढ़ा गया था, बामेला का एक नोहा कदीम था। बाद में वो नोहा कुछ वजुआ से रुक गया था। तो वहाँ पर साबिर भाई आलगाव मुकामों ने उनसे ख्वाहिश की थी कि बामेला पर एक नोहा लिखकर लाइए। तो उन्होंने दूसरे दिन ही अब्बास नहीं है बामेला नोहा खान मौजूद है, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके लिए बहुत अहम गवाह भी मौजूद है शबीर भाई, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही वक्त गुजारा है। तो नोहा जो 90s में पढ़ा जाता था वो रुक गया था। तो अब बामेला पढ़ने की साबिर भाई ने ख्वाहिश की थी कि बामेला पर दूसरा कोई नोहा। तो दूसरे दिन ही अब्बास नहीं है बामेला, उसमें एक बंद था, जब चाहा सितम बच्ची ऊपर किया, जब चाहा तमाचा मार दिया। आए, 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 आए। इतनी दिक्कत हो जाती थी वो शुरू के इब्तदाई सालों में। नौहे खान ने वो नोहा पढ़ा, शबीर भाई ने जानते हैं कि नौहे खानों को नोहा पढ़ने में इतना गम शिद्दत तारी होती थी कि गिरिया करते हुए पढ़ते। मैं तो मैंने वो नोहे पर कई मरतबा रोते हुए मातम किया, ऐसे दर्द वाले नोहे उन्होंने। और देखिए शहजादे ओन मोहम्मद पर, ऐ सीन तना गुल बदना ओन मोहम्मद। आज भी अगर कोई किसी को अगर ये नोहा देंगे कि इसका तर्जुमा उर्दू का उर्दू में ही करे तो परेशान हो जाए। शहजादे ओन मोहम्मद पर उन्होंने नोहा लिखा था, ऐ सीन तना गुल बदना ओन मोहम्मद, यानी नासुक बदन, क्या सीन था उनका। खैमे में थे उस वक्त तक जब तक बच्चे थे दोनों, मैदान में हुए जाके जवा, मैदान में हुए जाके जवा ओन मोहम्मद। खैमे में थे तो बच्चे थे, देखिए क्या फिक्र बदलाई है मरने वाला निशान। बच्चे थे खैमे में, माँ वसीयत कर रही है, बच्चे क्यों थे वसीयत कर रही है माँ, खबरदार है फुरात तक पहुंच जाना तो पानी का। मगर मैदान में हुए आके जवां ओन मोहम्मद, 9 लाख के लश्कर से 7-8 साल के बच्चे जंग कर रहे हैं, और इस बात का ख्याल है कि फुरात का रुख होने ना पाए, इस बात का ख्याल है कि फुरात का रुख होने ना पाए। वो शुजात शहजादे ओन मोहम्मद की कमसिनी के आलम में, इसीलिए लिखा मैदान में हुए आके जवान ओ मोहम्मद, ऐसी तना गुल बदना ओ मोहम्मद। मां ने देखा इजाजत नहीं मिल रही है, बच्चों को बुलाया, बुलाकर कहा कि बच्चों क्या बात है, अभी तक तुम मैदान को नहीं गए, अभी तक तुम मैदान को नहीं गए। तो कहा कि जब कभी हम मां से, अम्मा जब कभी मां जान से जब भी इजाजत मांगते हैं तो यही कहते हैं, तुम तो मेरे फौज की अलमबरदार हो, मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे। कहा शहजादी ज़ैनब ने कि बुलाओ मौलाना हुसैन को शहजादी अली अकबर। जब आए खैमे में तो सदका किया, सदका किया शहजादी ज़ैनब। देखिए एक तो शहजादी ज़ैनब का यहाँ पर मुकाम गौर कीजिए, आलिमे गैर मौलमा, मौला हुसैन की नुसरत करने वाली थी, मौला अली की बेटी, इमाम हसन और इमाम हुसैन चौथे इमाम पांचवे इमाम, इन सब ने जिसका एहतराम किया वो है शहजादी ज़ैनब। पांच इमामों ने जिसका एहतराम किया, मौला अली शहजादी ज़ैनब के आने पर खड़े हो गए। कुरान सामने लाया जाए तो उठकर तवाफ करता था, इस्तिग़बाल के लिए खड़ा हो गया।
शाम में एक मोमिना ने शहजादी ज़ैनब ने जब कहा कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, उस मोमिना को यकीन नहीं आया, बचपन में कनीजी की थी मगर यकीन नहीं आया ये शहजादी ज़ैनब है। तो उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि ना चादर है, मैंने बगैर चादर के देखा ही नहीं है। तो वो घर गई, दौड़कर कुरान लेकर आई थी और कुरान सामने रखा तो कुरान उठकर इस्तेमाल। वो शहजादी ज़ैनब ने अपने बच्चों को सदका किया, सदका किया यानी शौहर ने कहा था हजरत अब्दुल्ला ने कि अगर कोई मुसीबत का वक्त आए तो मेरे इन बच्चों को सदका कर दे, मेरे बच्चों को सदका कर दे। मौला हुसैन जब मदीने से चले थे तो औरा मोहम्मद साथ नहीं थे, मक्के से निकलने के बाद 20 मील दूर पर हजरत अब्दुल्ला ने औरा मोहम्मद को हवाले किया। और जितनी मोहब्बत शहजादी ज़ैनब शहजादे अली अकबर से करती थी उतनी मोहब्बत मौला हुसैन शहजादे औरा मोहम्मद से करते थे। मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा को मोहब्बत नहीं कहा। तो मौला हुसैन मक्के से जब सफर किया है एक मुकाम पर रुके, मौला हुसैन रुक कर कहा कि मेरा खैमा लगाया जाए। हजरत अब्बास ने पूछा कि सारे बीवियों को सोके खैमे, कहा कि नहीं अब्बास सिर्फ मेरा खैमा लगाया जाए, मेरा एक चाहने वाला मेरा नासिर आला। हजरत अब्दुल्ला आए, आकर कहा कि मैं जानता हूं आप करबला किस लिए जा रहे, मुझे कूफे वालों पर भरोसा नहीं है, मगर मैं जानता हूं आप उलिल अम्र है, आप उलिल अम्र है, आप वो है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह काफी है रसूल तुम्हारी गवाही के लिए और वो काफी है जिसको अपने किताब का पूरा ही हो गया, इसीलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं जा रही, मैं औरा मोहम्मद को छोड़ने के लिए। शहजादी ज़ैनब ऊंट पर है, जब मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला मिलने के लिए आ रहे हैं, शहजादी ज़ैनब परेशान थी कि हजरत अब्दुल्ला चलने के लिए ना गए मदीना वापस, क्योंकि शौहर की ताद भी वाजिब हो जाती। फिर शहजादी ज़ैनब मौला हुसैन की मदद का शरीकत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला आए, शहजादी ज़ैनब नाके पर कार, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको वापस ले जाने के लिए नहीं आया बल्कि एक रसूल की एक हदीस है जिस पर अमल करने के लिए आया। शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि कौन सी हदीस पर क्या अमल करना चाहते हो आप हजरत अब्दुल्ला, तो कहा कि रसूल की हदीस है अगर सफर में कोई तकलीफ हो तो सदका दिया जाए तो तकलीफ खत्म हो जाए, मैं सदके का सामान लेकर आया। पूछा क्या सामान है, तो शहजादे औरा मोहम्मद को आगे दिया, कहा कि मौला हुसैन पर कोई तकलीफ आए तो मेरे बच्चों को सदका कर दे। अब देखिए रोजे आशूर शहजादी ज़ैनब ने अपने शौहर की इताअत करते हुए बच्चों पर माँ बाप का बराबर हक होता है, शहजादी ज़ैनब ने सदका अगर कर देती बगैर शौहर की इताअत वो हक अधूरा हो जाता, शौहर से पूछा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला ने कह दिया था कि सदका कर देना, अब जब कह दिया है तो शौहर की ताद भी ऐसी कि अपने बच्चों को सदका किया। और अब्बास से कहा अब्बास सदका घर में नहीं रखा जाता, ऐसे बच्चों को जंग की इजाजत मिली। बच्चे खेमे के बाहर आए, अलग अलग खेमे दिखा रही है, देखो यहाँ प्यासे है यहाँ प्यासे है, शहजादी सकीना प्यासी है शहजादे अली असगर प्यासे है, 6 महीने के है प्यासे है, मैं जानती हूँ तुम लोग भी 3 दिन के भूखे प्यासे हो, खबरदार लड़ते लड़ते फिरात तक पहुंच जाना, एक घुट पानी न पीना वरना डूब न पहुंचे। कहा कि अम्मा हम फिरात का रुख भी नहीं करेंगे। शहजादे और मोहम्मद मैदान में आए और कम सिनी में लश्कर यजीद ने जो सरद बनाई थी, एक सरद हजरत अब्बास ने बनाई थी मौला हुसैन के खैमों के पास, सरद दीपा सरद जिसे कहते, तो मौला हुसैन की शहादत तक वहां पर कोई सिपाही नहीं पहुंच सका था, शाम में गरीबा पहुंचे थे।
मगर लश्कर यजीद ने जो दिफा सरद बनाई है वो शहजादे और मोहम्मद ने सुबह ही में वो सरद को उलट दिया। वो शुजात थी मगर जंग ऐसे हो रही थी कि फरात का रुख होने का भाई, एक भाई अगर गिर जाता लश्कर में तो दूसरा भाई मदद के लिए आ जाता, दूसरा भाई और अगर गिर जाते तो मोहम्मद आ जाते, मोहम्मद अगर गिर जाते तो और आ जाते। ऐसे भाई है जबकि नाम अलग अलग है, देखिए और मोहम्मद, मगर पुकारा ऐसे जाता है जैसे एक नाम महसूस होगा और ऐसे साथ रहे हैं। देखिए आज भी हम जब पुकारते हैं तो अलग अलग करके नहीं पुकारते, हजरते औन और हजरते मोहम्मद अलग नहीं करते, औन और मोहम्मद मिला करके ऐसे एक दूसरे की जंग के मौके पर नुसरत हो रही है। अगर बड़े भाई को तलवार लगी सर पर, कदमों से चूर हुए छोटा भाई मदद के लिए, छोटे भाई के भी सर पर तलवारें लगी, सर शक हो गया और घोड़े पर से जमीन पर आते आते आवाज दी, मामूजान हमारा सलाम है आखिर कबूल कीजिए। घोड़े पर से जमीन पर आए हैं, जख्मों से चूर है मौला हुसैन हजरत अब्बास है जाके कासिम पहुंचे। बच्चों ने पहला सवाल किया, बतलाइए हमारा रुख किस तरफ है, कहा कि हमारा रुख है मौला की तरफ है। मौला हुसैन जानते हैं मसलियत रखकर पूछा, तुमने ये क्यों पूछा, कहा माँ से वादा किया था हम फरात का रुख भी नहीं करेंगे, माँ से कह देना जब घोड़े पर से भी जमीन पर आए थे हमारा रुख खैमा की तरफ था फरात की तरफ नहीं। ऐसीम का ना गुल बदना और मोहम्मद, जिसका ऐसा बदन था खून सा बदन, वो बदन जख्मों से चूर हो गया, सर शक हो गया था, ऐसे तलवारें लगी। यही वजह थी कि मौला हुसैन से पूछा, जब जंग कर रहे थे खुद भी तो देख रहे थे कि फरात का रुख होने ना पाए, अगर जमीन पर गिरने के बाद क्यों कर पूछा। रिवायतें बतलाती है सर पर जो तलवारें पड़ी थी आंखों में इतना खून उतर गया था शहजादों को दिखाई नहीं दे रहा था। इस दुख ज़दिया माँ के खुले बाल तो देखो, इस दुख ज़दिया माँ के खुले बाल तो देखो, नाना मेरे बच्चों मैं दर्द की मारी हूँ मुसीबत में फंसी हूँ, जंगल में लुटी हूँ बेआस के सदके गए तुम आस न तोड़ो, बेआस के सदके गए तुम आस
भी तुम दोनों का क्या सिल मरने के न थे दिल माँ सज के गई था भी तुम दोनों का क्या सिल मरने के न थे दिल है मेरे गुल पैरा बनो कृष्णा दानो है मेरे गुल पैरा बनो कृष्णा दानो दादा मेरे बच्चो प्यार को मेरे किसकी नजर आ गई है मौत आ गई है बंदे आके हसद दे गई side.
Shah Salam, 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 Shah Salam,
सलाम 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 सलाम